हाय फ्रेंड्स आज हम एक्सप्लेन करेंगे स्प्लिंटर मूवी को इस मूवी को आईएमडीबी ने 6.1 की रेटिंग दी है और 84 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक भी किया है ये मूवी काफ़ी ज़्यादा थ्रिल से भरी हुई है अगर आप इसे शुरुआत के आधे घंटे देख लो तो आप इसे ख़त्म करके ही मानोगे तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमें इसी तरह की नई नई एक्सप्लेनेशन अपने चैनल पर लाते रहेंगे फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है एक आदमी से जो गैस स्टेशन पर कुछ खा रहा होता और है ये गैस स्टेशन जंगल के एकदम बीचों बीच में होता है तभी उस आदमी को जंगल के पीछे से एक आवाज़ आती है तो वो देखने के लिए उस तरफ जाता है लेकिन जैसे ही वो वहाँ जाता है तो एक जंगली जानवर अचानक से आकर उस पर हमला कर देता है और उसको मार देता है फिर सीन बदलता है और हम एक जंगल में एक कपल को देखते हैं जहाँ वो दोनों कपल इस जंगल में कैंपिंग करने के लिए आए थे सैम जो कि एक पी स्टूडेंट है उसको यहाँ कैंपिंग करने के लिए नहीं आना था क्योंकि सैम को कैंपिंग पसंद नहीं है उसे तो मॉर्टेल जाना था लेकिन क्योंकि उसकी वाइफ पोली को कैंपिंग पसंद है इसलिए वो उसके साथ वहाँ कैंपिंग के लिए आ जाता है फिर जब वो दोनों उस जंगल में टेंट लगा रहे होते हैं तो सैम के ज़्यादा जोर लगाने की वजह से वो टेंट टूट जाता है तो इस वजह से पोली उसके साथ मोरटेल जाने को तैयार हो जाती है और वो दोनों मोरटेल जाने के लिए निकल जाते हैं फिर सीन बदलता है और हम एक और कपल को देखते हैं जो इसी जंगल में है इसमें से डेनिस नाम का एक शख्स होता है जो कि जेल से भागा हुआ कैदी है और उसकी गर्लफ्रेंड लेज़ी एक ड्रग एडिक्ट है फिर इन दोनों की कार खराब हो जाती है इस वजह से वो लोग कार को साइड में कर देते हैं और किसी के आने का वेट करते हैं फिर पोली और सैम वहाँ से गुज़रते हैं तो लेजी उनसे आकर लिफ्ट मांगने की कोशिश करती है फिर सैम और पोली गाड़ी रोक कर ही डिसाइड करते हैं कि क्या उन्हें किसी अजनबी को लिफ्ट देनी चाहिए या नहीं लेकिन तभी लेज़ी का बॉयफ्रेंड डेनिस वहाँ आता है और उनको गन दिखाकर उनको होस्टेज बना लेता है और सैम से गाड़ी चलाने को कहता है लेकिन सैम कहता है कि उसे ड्राइविंग नहीं आती है तो डेनिस पोली को गाड़ी चलाने के लिए कहता है और फिर पोली ड्राइविंग करने लगती है फिर डैनिस पोली और सैम का फ़ोन लेता है और उसको बाहर फेंक देता है ताकि वो किसी भी पुलिस वाले को कॉल ना कर सके फिर थोड़ी देर बाद अचानक से इनके कार के आके एक जानवर आ जाता है जिससे उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है फिर डेनिस सैम से कहता है कि तुम टायर चेंज कर दो तो सैम कहता है कि मुझे टायर चेंज करना भी नहीं आता तो है। फिर डेनिस पोली के साथ टायर चेंज करने लगता है और सैम को अपनी गर्लफ्रेंड लेजी के साथ उस जानवर को देखने के लिए भेज देता है जिससे अभी उनकी टक्कर हुई थी फिर जब डेनिस कार का टायर चेंज कर रहा होता है तो उस कार के टायर में से एक नुकीली चीज़ उसके उंगली में चुप जाती है वहीं दूसरी तरफ लेज़ी और सैम उस जानवर को देख रहे होते हैं जो बहुत ही बुरी तरह से उस गाड़ी से कुचल जाता है लेकिन लेजी सैम को गन पॉइंट पर रख कर उस जानवर की मदद करने के लिए कहती है फिर जैसे ही सेम उस जानवर की मदद करने के लिए उसकी तरफ़ हाथ आगे बढ़ाता है तभी वो जानवर हिलने लगता है जैसे कि वो खुद को वापस से ठीक कर रहा हो लेकिन तभी अजीब सा जानवर बहुत तेज़ी से मूव करने लगता है इसलिए डर के मारे लेजी उसमें गोली मार देती है फिर इसके बाद टायर सही हो जाता है और लेजी डर के मारे भाग कर कार में जाके बैठ जाती है फिर डेनिस वापस से पोली को धमकी देता है और कहता है कि कार चलाओ लेकिन सैम अभी तक कार में नहीं बैठा था इसलिए पोली उससे कहती है कि जब तक सैम नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं फिर थोड़ी देर बाद सैम आ जाता है और कार में जाकर बैठ जाता है और फिर पोली कार चलाने लगती है और वहीं दूसरी तरफ हम उस टायर को देखते हैं जो ख़राब हो गया था तो उस टायर में से नुकीली सी कुछ चीज़ें निकलती हैं जो देखने में बहुत ही डरावनी लग रही होती है तो लेजी बहुत ही डरी हुई होती है तो उसे देखकर डेनिस उससे पूछता है कि क्या हुआ फिर लेजी डेनिस को बताती है जो जानवर अभी हमारे कार के नीचे आया था वो कुछ अजीब सा था और वो जानवर मुझ पर हमला करने वाला था ये बातें सुनकर डेनिस को लग रहा होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने काफ़ी दिनों से ड्रग नहीं दिए इस वजह से उसको अजीब सा लग रहा है फिर डेनिस पोली से कहता है कि कार को तेज चलाओ फिर पोली कार को तेजी से चलाने लगती है जिस वजह से इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और कार जाकर उस गैस स्टेशन पर रुक जाती है जो हमें शुरू में दिखाया था फिर वो सभी लोग वहाँ गैस स्टेशन पर उतर जाते हैं फिर लेजी और डेनिस में आपस में बहस हो जाती है क्योंकि डेनिस लेजी की किसी भी बात का विश्वास नहीं कर रहा था और लेजी गुस्सा होकर वॉशरूम की तरफ जाने लगती है फिर डेनिस सैम से कहता है कि ये मत बोलना कि अब तुम्हें फ्यूल भरना भी नहीं आता है फिर सैम उसे बोलता है कि नहीं मुझे फ्यूल भरना आता है और मैं फ्यूल भर सकता हूँ फिर डेनिस और पोली एक शॉप के अंदर जाते हैं जहाँ कोई नहीं होता है और किसी के भी ना होने की वजह से डेनिस वहाँ से चीज़ों को उठाता है और बिना किसी की परमिशन के खाने लगता है लेकिन वही दूसरी तरफ पोली को उस शॉप में एक मोबाइल दिखाई देता है और सैम कार में फ्यूल करने के बाद उस कार को साफ करने लगता है और लेजी से वॉशरूम का गेट नहीं खुल रहा होता है इसलिए वो उसे धक्का देकर खोलने की कोशिश कर रही होती है फिर अचानक से उससे वो गेट खुल जाता है और वो देखती है तो अंदर एक मरा हुआ आदमी पड़ा होता है जिसकी बॉडी के अंदर से भी वो नुकीली चीजें निकल रही होती है जो उस टायर में से निकल रही थी और उस अजीब से जानवर में से भी वो नुकीली चीजें निकल रही थी जिस जानवर को इन्होंने कुचला था और इसी नुकीली चीज को पिक्चर में स्प्लिंटर कहा गया है जो की एक तरह का फंगस है फिर लेजी भाग के डेनिस के पास आती है और से कहती है कि मैंने वॉशरूम में एक अजीब सा स्पाइक वाला आदमी देखा लेकिन डेनिस उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता है और उसको शॉप के अंदर जाने के लिए कहता है लेकिन तभी अचानक से वो स्पाइक वाला आदमी लेजी की तरफ आता है और उसका पैर पकड़ लेता है लेकिन तभी डेनिस वहाँ आकर लेज़ी को बचाने लगता है और उस स्पाइक वाले आदमी पर गोली चलाने लगता है लेकिन वो लेज़ी को नहीं बचा पाता और लेजी की वहीं मौत हो जाती है उसके बाद डेनिस को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है और वो सोचता है कि मुझे लेजी की बात मान लेनी चाहिए थी तभी वो स्प्लेंटर वाला आदमी सैम की तरफ उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो सैम और डेनिस उससे बचकर शॉप में चले जाते हैं और फिर पोली शॉप में पड़ा हुआ फ़ोन लेती है और पुलिस वाले को कॉल करने लगती है लेकिन तभी डेनिस पोली से फ़ोन लेता है और उस फ़ोन को तोड़ देता है क्योंकि अगर पुलिस यहाँ आई तो वो उसको पकड़ कर ले जाएगी तो पोली उससे कहती है कि अगर हमने पुलिस को फ़ोन नहीं किया तो ये हमें भी मार देगा लेकिन डेनिस पोली के समझाने पर भी नहीं मानता है और कैश काउंटर पर जाकर अपनी जेब भरने लगता है फिर तभी डेनिस को वहाँ एक वीडियो कैमरा दिखता है तो वो मोनिटर पर जाकर उसकी वीडियो फुटेज देखने लगता है फिर जब वो वीडियो फुटेज में देखता है तो वो देखता है कि लेज़ी की बॉडी अभी भी हिल रही है और लेजी को ऐसा देखकर उसे लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अभी भी ज़िंदा है फिर वो उसे बचाने के लिए दरवाज़ा खोल बाहर जाने लगता है लेकिन तभी सेम डेनिस को रोकता है और कहता है कि अगर गाड़ी पर पड़ा हुआ स्पलेंटर ज़रा भी मूव हुआ तो हम तुम्हें बता देंगे या फिर उसने तुम पर हमला किया तो हम गेट बंद कर देंगे और तुम्हें वापस अंदर नहीं आने देंगे तो डेनिस उनकी बात से एग्री करता है और बाहर चला जाता है और लेज़ी की बॉडी को खींच अंदर की तरफ लाने लगता है लेकिन तभी अचानक लेजी उसको पकड़ कर हमला करने लगती है लेकिन तभी सैम डेनिस को खींचता है और गेट को बंद कर देता है लेकिन उस गेट के बीच में लेजी का हाथ आ जाता है और टूट कर अंदर की तरफ गिर जाता है और उस हाथ में भी बहुत सारे स्प्लिंटर लगे हुए होते हैं जिस वजह से वो हाथ अभी भी चल रहा होता है और ये दृश्य देख कर वो तीनों बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं कि ये हाथ आखिर मूव कैसे कर रहा है फिर सैम उस हाथ को कुचल देता है और उस हाथ में से एक ब्लैक कलर का लिक्विड निकलने लगता है और ये लिक्विड उसके हाथ में स्प्लिंटर बना रहा था क्योंकि सैम एक पीएचडी स्टूडेंट था तो वो उन दोनों को एक्सप्लेन करता है कि जो कुछ भी ये चीज़ है वो एक तरह का फंगस है जो कि इंसानों के खून पर जीता है और खून को एब्जॉर्ब करने के बाद एक ब्लैक तरह का सब्सटेंस बनाता है फिर तभी वो देखते हैं कि लेजी अपना सर कांच पर मारकर उस कांच को तोड़ने की कोशिश कर रही थी और डेनिस लेजी को ऐसा देख बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है लेकिन सैम और पोली डेनिस को समझाते हैं कि अब वो लेज़ी नहीं रही अब वो कुछ और बन चुकी है फिर वो लोग शॉप के अंदर की तरफ आते हैं और सोचते हैं कि वो शॉप के पीछे वाले दरवाजे की तरफ से भाग जाएंगे फिर बड़ी मुश्किलों से वो पीछे वाले दरवाजे को खोलते हैं फिर उस दरवाजे को खोलने के बाद वो देखते हैं कि अंदर एक और दरवाजा है जो लॉक था लेकिन तभी उन लोगों को पता चलता है कि लेजी पीछे की तरफ से होते हुए उनकी तरफ आ रही है इस वजह से वो लोग फिर से उस दरवाजे को बंद कर देते हैं लेकिन तभी अचानक से एक पुलिस ऑफिसर उस शॉप के बाहर आ जाती है और उन पर गन तान देती है और उन सबसे शॉप के बाहर आने को कहती है फिर वो सब चिल्ला कर उस पुलिस ऑफिसर को कहते हैं कि तुम वापस से अपनी कार में चली जाओ बाहर बहुत ज़्यादा खतरा है लेकिन ये पुलिस ऑफ़िसर इन लोगों की बात पर विश्वास नहीं करती है और इन लोगों से कहती है कि तुम इस तरह बिना इजाज़त किसी की शॉप में नहीं घुस सकते हो लेकिन तभी अचानक से स्प्लिंटर उस पुलिस ऑफ़िसर को पीछे से पकड़ लेता है और उठाकर उसके दो टुकड़े कर देता है फिर वहीं दूसरी तरफ हम डेनिस को देखते हैं कि वो अपनी उंगली में देख रहा होता है कि उसकी उंगली में जो स्पाइक चुबा था गाड़ी का टायर चेंज करने के टाइम पर वो अब बढ़ता जा रहा है जिस वजह से उसकी बॉडी में भी स्प्लिंटर बनने लग गए हैं लेकिन वो ये बात सैम और पोली को नहीं बताता है फिर ये तीनों प्लान बनाते हैं कि अगर बाहर जो गाड़ी खड़ी है उसमें कोई आग लगा दे तो इससे पुलिस को लगेगा कि गैस स्टेशन में आग लग गई है और फिर वो पुलिस वाले इन्हें बचाने ज़रूर आएंगे और पोली सैम का ये प्लान मान लेती है फिर इसके बाद कार में आग लगाने के लिए पीछे से डेनिस पेट्रोल बहाने लगता है लेकिन फिर सैम उनसे कहता है कि गलती से भी अगर गैस स्टेशन में आग लग गई तो हम सब मारे जाएंगे तभी सैम को बाहर से पुलिस ऑफिसर के रेडियो की आवाज़ आती है और उसे आइडिया आता है कि उस रेडियो की मदद से हम हेल्प मंगा सकते हैं इसलिए सैम उस माइक को लेने के लिए बहुत सारे तारों को जोड़ता है और इनकी मदद से उस माइक को लेने की कोशिश करता है लेकिन जब सैम ऐसा करता है तो अचानक से लेजी वहाँ जाती है उसके तार को खींचने लगती है इसलिए सैम जल्दी से तार को खींचता है और उस तार को खींचने की वजह से लेजी का हाथ भी टूट अंदर की तरफ आ जाता है और लेजी का वो हाथ सैम और पोली को मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है लेकिन ये दोनों किसी तरह उस हाथ से अपनी जान बचाते हैं और फ्रिज वाले रूम में जाकर छुप जाते हैं और हम देखते हैं कि लेजी का हाथ उस फ्रिज वाले रूम में नहीं जाता है तभी हम देखते हैं कि डेनिस के हाथ में जो स्प्लिंटर था वो उसके पूरे हाथ में फैल जाता है और उसका हाथ अपने आप ही मूव करने लगता है और डेनिस अपने हाथ को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसका हाथ अपने आप ही टूटने लगता है और डेनिस को बहुत ज़्यादा दर्द होता है इसलिए डेनिस फैसला करता है कि मुझे अपने हाथ को काट देना चाहिए लेकिन वो ये नहीं कर पाता है इसलिए सैम डेनिस की मदद करता है और उसका हाथ तोड़ देता है और ये सीन देखने में काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक और खौफनाक होता है और डेनिस की हालत ख़राब हो हु जाती है लेकिन ये लोग नोटिस करते हैं कि डेनिस का जो फंगस वाला हाथ है वो इन पर अटैक नहीं कर रहा जबकि उसमें भी स्प्लिंटर है फिर ये लोग इस गुत्थी को सुलझाते हैं और पता लगाते कि आखिर वो हाथ इन पर हमला क्यों नहीं कर रहा है फिर बहुत सोचने और समझने के बाद इनको पता चलता है स्प्लिंटर हीट यानी गर्म चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं डेनिस का हाथ इन पर इसलिए हमला नहीं कर रहा है क्योंकि वो ठंडी जगह पर थे अगर ये ठंडी के बजाय गर्म जगह पर होते तो डेनिस का हाथ इन पर ज़रूर हमला करता इसलिए सेम एक प्लान बनाता है कि मैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर से कम कर दूंगा और बाहर जाकर पुलिस ऑफिसर के माइक से मैं हेल्प मांगूंगा फिर वहीं दूसरी तरफ पोली क्या करती है पटाखों को लेती है और दूसरी तरफ फेंकती है ताकि स्प्लिंटर उधर की तरफ अट्रैक्ट हो और सैम बाहर जाकर जल्दी से मदद मांग सके फिर सैम खुद को ठंडा कर, कर बाहर गाड़ी के पास जाता है लेकिन वो इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है और कापरा होता है कि उसके हाथ से बर्फ़ का बैग छूट जाता है और इस वजह से उसकी बॉडी का टेम्परेचर वापस से गर्म होने लगता है लेकिन फिर भी सैम कार में बैठ जाता है और मदद मंगाने की कोशिश करता है लेकिन ठीक उसी वक्त स्प्लिंटर भी उसकी तरफ आने लगते हैं क्योंकि अब उसका शरीर गर्म होने लगा था लेकिन तभी पोली सैम को सचेत कर देती है कि स्प्लिंटर तुम्हारी तरफ आ रहे हैं इसलिए सैम जल्दी से अपनी कार को लॉक कर लेता है और तभी सैम की मदद करने के लिए डेनिस बाहर आता है और क्रैकर जलाकर स्प्लिंटर की तरफ़ फेंकता है जिससे स्प्लिंटर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और वो शॉप के अंदर वापस चला जाता है और स्प्लिंटर भी डेनिस के बीच हमला करने के लिए चल देता है ये देखकर सैम पुलिस की गाड़ी में से एक गन लेता है और स्प्लिटर पर हमला करने लगता है और तभी डेनिस का कटा हुआ हाथ भी उनकी तरफ हमला करने के लिए आ जाता है क्योंकि अब वो सब गर्म हो चुके हैं लेकिन इससे पहले कि वो हाथ किसी पर हमला करता है वो पटाखों की आग में खुद भी जल जाता है फिर इसके बाद डेनिश सैम से गन ले लेता है और पोली और सैम को कहता है कि तुम लोग बाहर जाओ उन दोनों को ऐसा कहकर वह स्प्लिंटर की तरफ गोली चलाने लगता है और खुद आग की तरफ बढ़ने लगता है जो आग उन्होंने पटाखों के थ्रू जलाई है फिर डेनिस स्प्लिटर को अंदर बंद कर देता है और खुद बाहर आ जाता है जहाँ वो बहुत ज्यादा घायल हो चुका है फिर सैम और पॉली डेनिस के पास आते हैं और डेनिस उन दोनों को एक बैंक अकाउंट की चाबी देता है और उनको ये चाबी उस औरत को देने के लिए कहता है जिसके हस्बैंड को डेनिस ने ही मारा था अब डेनिस सैम और पॉली से जाने के लिए कहता है और खुद अपनी गन से डीजल टैंक में गोली चला देता है इसकी वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और पूरे गैस स्टेशन में आग लग जाती है और सभी स्पिलेंटर उस आग में जलकर मारे जाते हैं और फाइनली सेम और पोली इन सब खतरों से लड़कर अपनी जान बचाकर कर वहाँ से जा रहे होते हैं फिर मूवी के एंड में दिखाते हैं कि एक और जानवर है जो स्प्रिंटर से अफेक्टेड है और ये दिखाने के बाद मूवी ख़त्म हो जाती है